Namaskaram, my dear friends. Hope you're all doing great. And how is your quarantine time? आप कैसे utilize कर रहे हो? अच्छा utilize कर लेना, अच्छा पढ़ाई करो, make the best use of the time that you have got. It's an opportunity, right? तो आइए देखते हैं. Today हम stages of development discuss करेंगे, okay? तो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी आपके स्टेटेड या सीटेड में ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ यू हैव लॉट ऑफ चांसेस टू गेट अ क्वेश्चन, ओके? और वो भी बहुत जेनरिक पूछ ले जाते हैं. जब हम पढ़ते हैं हम सोचते हैं ऐसे ही क्या उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, यू नेवर नो कि कौन सा क्वेश्चन उसमें से उठा के आपको देंगे, ओके? तो अर्लियर हमारी वीडियोज़ में आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी ऑन लेसन वन, लेसन टू, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागॉजी डिफरेंस ये सब हो गया. अभी स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखेंगे, ओके? आगे वाली लेसन में प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इवन दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो. लेसन थ्री, लेसन फोर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन, डोंट मिस आउट, स्पेशली प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट. एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है पेपर वन वालों को, ओके? तो आइए देखते हैं. कल हम बात कर रहे थे एज रेंज के बारे में, तो वील सी द स्टेजेस. अच्छा, तो ये देखिए, स्टेज वन ये होती है फ्रॉम बर्थ से एक साल तक बच्चे जो होते हैं ना वो आते हैं आपके स्टेज वन में. ये इनका ये जो फिजिकल डेवलपमेंट जो कुछ होता है, स्वैलोइंग, वो स्वैलो कर लेते हैं, सक करते हैं, तम, आप देख सकते हो ना तम, और हमारे फिंगर्स को ग्रैस्प कर सकते हैं, और ये रूटिंग उनका टीथ आने शुरू होता है इस अराउंड यू नो फ्रॉम नाइन्थ मंथ टू वन ईयर एंड अबव. आप देख सकते हो उनका टीथ का रूटिंग भी होना शुरू होता है, ओके? एंड स्टैंडिंग रिफ्लेक्सेस बोलते हैं. ये रिफ्लेक्स क्या है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यू शुड अंडरस्टैंड. एग्जाम्स में भी आपको कई बार रिफ्लेक्स, यू नो, यू डोंट रियली गेट द पॉइंट. तो रिफ्लेक्स वो होती है, वो एक इनवॉलंटरी और ऑटोमेटिक एक्शन होती है हमारे बॉडी में इन रिस्पॉन्स टू समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, वेन ये मेरा हाथ है, वेन आई ट्राई टू हिट माई सेल्फ, इमीडिएटली आई विल क्लोज माई आइज फॉर अ सेकेंड, है ना? अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगी तो आप भी आपके आँख एक मिनट बंद करेंगे. तो दैट इज एन ऑटोमेटिक एक्शन. हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड होती है टू समथिंग विदाउट मच थिंकिंग, इट्स इनवॉलंटरी. तो ऐसे जो कुछ, अगर मैं हाथ यहाँ था, तो बच्चे क्या करते हैं, सक करना चाहते हैं. छोटे छोटे बच्चे के पास अगर आप हाथ ऐसे आपका ऐसे लगाएंगे ना, बोलेंगे. तो दीज आर सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़ होते हैं बच्चों में, ज़्यादा होती है स्पेशली. तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चों में. सकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं, ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं. ग्रैस्पिंग यानी अगर हाथ उनके हाथ के नीचे पास लेके जाएंगे, फटाफट ऐसे पकड़ लेते हैं बच्चे, कभी ऑब्जर्व कीजिएगा. एंड सो दैट इज़ वॉट इज़ एक्चुअली रिफ्लेक्स होता है. तो ये एक एज होती है बर्थ से एक साल तक जहाँ बच्चे यू फाइंड स्टैंडिंग रिफ्लेक्सेस, यानी दूसरों को देखे वो भी खड़ा रहना चाहते हैं, ओके? तो ये सब होता है बच्चों में, यू नो, रिफ्लेक्सिव एक्शंस होता है. एंड रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स हम बोलते हैं इनको, दे आर ऑटोमेटिक मूवमेंट्स. वो बर्थ से अपियर हो जाते हैं एंड एज वी ग्रो थ्रू प्यूबर्टी तक ये चलता ही रहता है. इवन नाउ दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्सेस दैट जस्ट नाउ मैं जो एग्जाम्पल शेयर कर रही थी वो भी एक एग्जाम्पल है. और दीज मूवमेंट्स डू नॉट रिक्वायर यूज टू एक्टिवली थिंक अबाउट देम, यानी हम ज़्यादा सोच के नहीं करते हैं, इसी को रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स बोलते हैं, ओके? फंडामेंटल मूवमेंट्स आर एक्शंस दैट आर द बेसिक मूवमेंट्स, रनिंग, जम्पिंग, वॉकिंग, ये सब को हम फंडामेंटल मूवमेंट्स बोलते हैं. तो अगर हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे इस एज ग्रुप में, यानी बर्थ से एक साल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या है, यू नो द मीनिंग, फिर भी आई विल शेयर. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जब मैं बोल रही हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, यानी बच्चे, इट इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजिंग देयर माइंड्स, आइडियाज, उनके थाट्स टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड दे लिव इन, उसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं, ओके? और तो इफ अगर हम बच्चों में ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखूंगी या कम्युनिकेशन, इस साल में बर्थ से एक साल तक उनका लर्निंग क्या होती है, द
चिल्ड्रन लर्न डिफरेंस, ये एज इस उम्र में बच्चे उनको धीरे धीरे 1 साल तक आने के टाइम पे उनको मालूम हो जाता है कि दिन क्या होती है, रात क्या होती है, और रात को सोना शुरू करते हैं बाय द टाइम दे रीच आउट टू 1 ईयर ऐसा। और वो उनको फोकस अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा जाता है, और बच्चे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। आप कभी ऑब्जर्व किया है आपने बच्चों को? वो बैबलिंग यानी कुछ ना कुछ छोटे छोटे बैबलिंग शुरू कर लेते हैं, और बहुत कुछ बच्चे इस साल में, बर्थ से 1 साल में, दे लर्न थ्रू एक्सप्लोरेशन और सराउंडिंग यूजिंग देयर 5 सेंसेस। ओके, सो इफ यू लुक एट सोशल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट, द चाइल्ड लर्न्स टू स्माइल एट द मिरर इमेज एंड इज अप्रिहेंसिव अबाउट स्ट्रेंजर्स। अप्रिहेंसिव यानी कुछ नहीं, डर डरते हैं दूसरा यू नो स्ट्रेंजर्स को देख के, नए लोग और फैमिली मेंबर सब कुछ जिसको हर रोज देखते हैं उससे दे आर कंफर्टेबल, लेकिन दूसरे लोग कोई आके उनको पकड़ लें, या जो आप बहुत बच्चों को देख सकते हो ना रोते हैं, यू नो दैट्स हाउ दे शो। और हाँ, अभी देखेंगे 1 साल से 2 साल के बच्चे। इफ वी लुक एट द फिजिकल डेवलपमेंट यानी बच्चों का फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल्स, परसों वाली क्लास में भी हम डिस्कस किए थे फाइन मोटर, व्हाट इज ग्रॉस मोटर। ग्रॉस इज ऑल अबाउट लार्ज मसल्स, फाइन मोटर इज ऑल अबाउट योर हैंड फिंगर मूवमेंट्स, स्मॉल मसल मूवमेंट्स। ओके, तो इफ यू लुक एट द फिजिकल डेवलपमेंट, द चिल्ड्रन ऑफ 2 ईयर्स ऑफ एज विल प्रोबेबली बी एबल टू रन विदाउट बम्पिंग इन टू थिंग्स, स्पेशली इनका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट अच्छा होता है, स्पेशली 2 साल यू नो दे बिकम स्ट्रांग। इफ यू लुक एट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अगर बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट देखेंगे या कम्युनिकेशन उनका लर्निंग देखेंगे, बच्चे बिलीव इन मेक बिलीव प्ले, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, 1 to 2 ईयर्स मेक बिलीव प्ले। ओके, तो मेक बिलीव प्ले में दे बिलीव इन 1 to 2 ईयर्स में बच्चे दे आर मोर इंटरेस्टेड इन मेक बिलीव प्ले, यानी बच्चे दे इट इज लाइक यू नो वॉट एवर दे सी दे ट्राई टू इमिटेट इट। ओके, हैज़ लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑन साइजेस, टाइम एंड शेप्स, बच्चों को टाइम शेप्स के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आता है इस टाइम में, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन होती है, टेम्पर होती है, ईगर फॉर इंडिपेंडेंस होता है उनमें, ये एक एज होती है 1 साल से 2, बंदे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, आपको हाथ जब वो वॉक करना चाहते हैं, दे डोंट लाइक यू टू होल्ड देयर हैंड, और यू नो दे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, दे वॉन्ट टू वॉक लाइक यू, दे वॉन्ट टू टॉक लाइक यू, ऐसा बहुत कुछ होता है बच्चों में 1 साल से 2 साल के बच्चे में, और बहुत क्यूरियस होते हैं, उनको सब चीज़ में इंटरेस्ट होती है। अगर आप देखोगे कि ये इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं, सब में फिंगर्स वो ये डालने के लिए कोशिश भी करते हैं ना, हर कुछ चीज़ पे इंटरेस्ट होती है उनके। एंड ये एक एज होती है वे द चाइल्ड शोज इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन बट प्लेज अलोन, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स, 1 to 2 ईयर्स इज द एज वे द चाइल्ड प्लेज अलोन। ओके, पैरल आई टॉक अबाउट पैरल प्ले लेटर, बट एज ऑफ नाउ प्लीज रिमेंबर दैट दिस इज द एज वे द चाइल्ड शोज इंटरेस्ट इन अदर चिल्ड्रन बट प्लेज अलोन। ओके, बिकॉज ये पॉइंट कई बार आपको सीटेट के एग्जाम में आया है। और कमिंग टू 2 to 3 ईयर्स, ये एक स्टेज होती है जहाँ चिल्ड्रन लर्न टू गेट अनरेस्ट, इमिटेट करते हैं बच्चों दूसरे बच्चों, और बहुत ईगोसेंट्रिक होते हैं। अगर आप देखोगे कभी देखा है बच्चों को, दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स रिगार्डलेस ऑफ द फीलिंग या डिजायर, कोई बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं क्योंकि दे कांट थिंक अबाउट योर पर्स्पेक्टिव, आप जिस तरह सोचते हो उस उनको इस एज में समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं कि जो कुछ उन्होंने सोचा वही सही है, और जो कुछ खाने की चीज़ वो जो भी चीज़, अगर अब ऑब्जर्व करोगे 2 साल से 3 साल वाले बच्चे, अगर उनको कुछ चाहिए तो बहुत मनमानी करते हैं, दे मेक लॉट ऑफ टैंटम्स, बोले ना वही चीज़ चाहिए करके रोते हैं जब तक आप उसको वो ना दो। ओके, सो दे डू अंडरस्टैंड अनदर्स बट नो देयर लाइक दैट, दैट्स द एज, थोड़ा बहुत बच्चे, ज़्यादातर बच्चे वैसे ही होते हैं। इमोशंस जो भी हों एक्सट्रीम होते हैं, यानी बहुत खुश या बहुत रोना ऐसा।
So coming to 3 to 4 years, at this age most children master the toilet. तो टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे होती है और कैन वॉक फॉरवर्ड बैकवर्ड भी बच्चों को चलना आता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस या वोकैबुलरी जब कुछ है तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. 250 to 500 वर्ड सीखते हैं बच्चे इन 1 ईयर. ओके एंड अभी ये टैंटम्स वाली बात थोड़ा कम हो जाता है इस एज में, इस उम्र में. नेक्स्ट कम्स द 4 to 5 ईयर्स. यहाँ देर इज इंक्रीज मैनुअल डेक्सटरिटी एंड दे विल बी एबल टू कॉपी अ ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर एंड अदर शेप्स. यानी उनको देख के आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है इस उम्र में एंड दे आर मोर फ्लेक्सिबल होते हैं. हॉपिंग तो ये सब कुछ होता है बच्चों में. ओके अगर आप देखोगे बच्चे खुशी खुशी होते हैं. 6 to 9 ईयर्स ये एक एज होती है जहाँ उनका स्टेमिना, उनका इंक्रीजेस, उनका हार्ट, लंग ये सब ग्रो होता है 6 साल से 9 साल तक. ओके दे ग्रो लॉट टॉलर, बहुत ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. अभी उन बच्चों को अभी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में ध्यान देना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत लॉजिकल थिंकिंग के बारे में भी सोच में आते हैं. ओके और दे एक्सेप्ट पीयर्स. उनके एक एक दोस्तों अगर दोस्त हैं अगर देखोगे तो पीयर एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस यहाँ पे. कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, कॉप शेयरिंग होती है और यही एक उम्र है जहाँ बच्चे तब तक दे डोंट लाइक टू चीट एनीवन, दे डोंट जनरली से लाइज, बट ये एक स्टेज होती है जहाँ एक दूसरे को देख के डर के हिसाब से या कुछ भी हो दे स्टार्ट लाइंग, दे स्टार्ट चीटिंग एंड वो सब इस एज में, इस उम्र में इट्स वेरी विजिबल कुछ बच्चों में. इनमें मास्टरी ऑफ स्किल्स होती है यानी हैंड राइटिंग में इम्प्रूवमेंट होती है और एज प्यूबर्टी इज अराउंड द कॉर्नर यानी वो एक स्टेज एडोलसेंस वाली स्टेज जो होती है उनका वॉइस भी चेंज होना शुरू होता है. क्रैकिंग ऑफ वॉइस होता है, डीपर वॉइस होता है, बिहेवियर में, फिजिकल अपीयरेंस में. अगर आप देखोगे जस्ट स्टार्ट होता है लेकिन ये 14 to 17 ईयर्स जब कुछ होता है बच्चों में तो दिस इज वन एज वेयर द चिल्ड्रन आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फिजिकल अपीयरेंस. यानी मैं कैसा हूँ, मेरे हाथ कैसे हैं, मेरे दाढ़ यू नो कैसा है, बाल कैसा. दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फिजिकल एस्पेक्ट्स. दे आर सो कॉन्शियस उनके स्किन टोन या उनके आँख के रंग जो भी हो, हाउ दे ड्रेस अप. दे थिंक द होल वर्ल्ड उनको उन्हीं को देख रहे हैं कि सबका कॉन्सेंट्रेशन उसी पे है. तो बच्चों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि एंड दिस इज एक स्टेज है जहाँ बच्चे आर गुड एट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. नाउ दे अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कॉन्सेप्ट जो कुछ नहीं है, फिर भी दे कैन विजुलाइज थिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स इन अ बेटर वे एंड दे रियली लव टू डेमॉन्स्ट्रेट जो कुछ उन्होंने सीखा उसको एग्जिबिट करने में उनको बहुत खुशी होती है. एंड दिस इज द एज जहाँ बच्चे रेस्पेक्ट के लिए स्ट्राइव करते हैं, दे डिजायर टू गेट रेस्पेक्ट. And students may consider many perspectives of a given issue, an age where they start thinking of intimacy and tend to romanticize. ये एक एज होती है जहाँ वो इंटीमेसी के लिए देखते हैं दूसरे जेंडर के साथ या यू नो द रोमांटिक फीलिंग्स हो या इंटीमेसी हो, ये सब ये एक एज होती है जहाँ थोड़ा बहुत बच्चों में शुरू होना स्टार्ट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट एज दैट स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एक्टिविटीज टू एक्सप्लोर द जॉब मार्केट, करियर्स एक्सेट्रा. और ये एक एज होती है जहाँ बच्चों में ये थॉट प्रोसेस आ जाती है जहाँ हाँ अभी मुझे मेरे करियर के बारे में सोचना है, अभी मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, ये सब ये एक एज होती है 14 to 17 ईयर्स में बच्चे ऐसे सोच आ जाते हैं. ओके तो दोस्तों वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन एक बार. आई डोंट थिंक आई नीड टू रिपीट इट, लेकिन एक दो बार अगर सुन भी लें, रिफ्लेक्सिव इज़ वन पॉइंट विच यू शुड फोकस ऑन. रिफ्लेक्स यू नो बेसिक कौन से स्टेज में, ये पैरेलल प्ले कब होती है या दे प्ले अलोन ये बातें कब होती है, दैट एज यू हैव टू मेक बिलीव प्ले कौन से एज में होता, कौन से एज में होता है, यू नो थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, इकोसेंट्रिक कौन से एज में होते हैं. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट यू शुड नो, स्पेशली आपके सीटेट के एग्जाम्स में, टेट के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं. आगे वाले लेसन ये जो है ना, लेसन 4 Principles of Child Development, very very important. आगे वाली वीडियो तो please don't miss. Okay? Thank you so much for joining me. Take care. Bye bye.